अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर अल्फा का बैच किस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मुझे मिला है। ये मुझे एक ही दिन में मिला है। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एक ही दिन में ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्टूडेंट एम्बेसडर का प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। जो कि रिसेंटली मैं एमएलए से बना हूँ, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मैंने लिंक्डइन पर जो है वो पोस्ट डाली थी। सबसे पहले तो मैंने लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की पोस्ट डाली थी, उसके बाद अल्फा का बैच जब मुझे मिला तो मैंने इसकी पोस्ट डाली। बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे इनबॉक्स किया, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस किए कि आप ये किस तरह से बने। एक एक को तो जवाब देना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दूँ आपके लिए, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही दिन में किस तरह से अल्फा का बैच ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपको भी जब आप एमएलए से बन जाएंगे तो आपको इस तरह सा डैशबोर्ड, या फिर आप कह लें कि इस तरह की प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी और इस तरह हेडलाइन, बायोग्राफी वगैरह, यहाँ पर आपका नाम होगा। यहाँ पर ये जो बैच हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है, या न्यू शो होगा इस तरह। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 बार आप देख सकते हैं, ये राइट कॉर्नर पे इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है लर्न स्टूडेंट हब का, ठीक है। बाकी आपने किसी को भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पर आप देख लें लर्न स्टूडेंट हब, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस अकाउंट से लॉग इन है, जो एमएलएसए का आपका अकाउंट है, जो आपको दिया गया है एमएलएसए की जानिब से, उसी से आप लॉग इन हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूँ। आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप एक ही दिन में अल्फा का बैच ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम से। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, ताकि ये आगे लोगों को रिकमेंड हो सके। यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इस प्रोग्राम के बारे में, और ये न्यू प्रोग्राम है। काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के ईमेल्स भी रिसीव हुए हैं। यहाँ पर जूम इन मैं करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के जो ईमेल्स हैं वो भी रिसीव हुए हैं काफ़ी सारे लोगों को। और इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से बन सकते हैं एमएलए से। तो अगर आपको ये ईमेल नहीं आई तो भी ठीक है, मुझे भी ये ईमेल नहीं आई थी, ये मुझे व्हाट्सएप से मिली है कहीं पर, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर बेसिकली इनके 4 प्रोग्राम हैं, इनमें से आपने किसी पर भी इनरोल करना है। इनमें जो सबसे इजी वाला है वो ये है, मैंने भी यही किया है, एआई बिल्डर चैलेंज, इस पर आपने क्लिक करना है। गो टू चैलेंज पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके 18 मॉड्यूल्स से मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और आप भी ये कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 के लगभग जो है वो पेजेस हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लीट भी किए हैं। यहाँ पर मेरे प्रोग्रेस भी शो हो रहा है 18/18। तो जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टार्ट लिखा हुआ होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है और इसमें इनरोल करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे FAQs भी दिए गए हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे भी इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और चलें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से मॉड्यूल्स इन्होंने बनाए हैं। काफ़ी सारे दिन अभी पड़े हैं इसमें, 14 अगस्त तक आप जो है इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जी, ये मैंने कंप्लीट किए हैं, बहुत ही आसान मॉड्यूल्स हैं, आप ही कर सकते हैं। एक दिन में हो सकता है, एक दिन से कम में भी हो सकता है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे में भी हो सकता है। ये इन्होंने बताया है कि ये 12 घंटे का है, लेकिन आप इससे कम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है सर्टिफिकेट भी मिला है इनकी तरफ से, जो कि मैंने अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया। मैं शेयर वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन वो बाद में कर दूँगा आप, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से करना है। चलें
रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पर क्लिक करना है लर्न स्टूडेंट हब पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पर, इस तरह के पेज पर, ठीक है। तो फिर आपने इस पेज पर आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर आपने क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर चलें बैक कर लेता हूँ। आप फिर इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ से आपने कोई प्रोग्राम एक सेलेक्ट करना है लर्न एआई चैलेंज का। तो यहाँ पर मैं नाम बता देता हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट लर्न एआई स्किल चैलेंज। और ये चार चैलेंज हैं, इसमें मशीन लर्निंग है और ये सारे हैं। मैंने ये वाला किया था, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, तो ये वाला कर लें तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें और लोगों के साथ, आगे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।